बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं दोस्तों, आशा कर रहा हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। और मैं बता दूं कि अभी मैं डेयरी ओनसों के एनीकाट में, जो कि एनीकाट इको पार्क है, वहाँ पे आ चुका हूँ। और देख सकते हैं एनीकाट इको पार्क में ये कितना बढ़िया रास्ता बनाया गया था, मतलब घूमने के लिए बहुत ही बढ़िया था। तो अभी तो सारा मतलब कि पेड़ पौधों के कारण बढ़ चुके हैं, जिससे रास्ता ही सील हो चुका है, बंद हो चुका है, देख सकते हैं। और देख सकते हैं पीछे का मेरा काफी एकदम बढ़ चुका है। और चलता हूँ आप लोगों को, वो सारा चीज आप लोगों को दिखा देता हूँ, और बने रहेगा हमारे ब्लॉग पे लास्ट तक। तो चलता हूँ दोस्तों। और मैं बता दूं कि मैं इससे पहले भी एक बार आया था और आप लोगों को एनीकाट का ब्लॉग दे चुका हूँ, और मैं आज फिर से एनीकाट, मॉर्निंग का टाइम है तो घूमने के लिए मैं आया हूँ। और आप लोगों को बस बने रहेगा हमारे ब्लॉग तक, मैं आप लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लॉग दूंगा आने वाले दिन में। और एनीकाट का जो कि जितना भी पार्क है, वो सारा आप लोगों को इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को घुमाऊंगा। तो बस बने रहिएगा हमारे ब्लॉग पे लास्ट तक। तो चलते हैं दोस्तों। सो अभी देख सकते हैं मैं एनीकाट में आ चुका हूँ, और देख रहे हैं जैसा कि नीचे पार्क में ताली बजा के योग किया जा रहा है। तो चलते हैं नीचे से आप लोगों को वो सारा सीन मतलब बढ़िया से दिखाता हूँ आप लोगों को। और योग यहाँ पे इन लोगों ने प्रतिदिन योग करते हैं। तो चलते हैं नीचे से और आप लोगों को दिखाते हैं, बस बने रहिएगा हमारे ब्लॉग पे लास्ट तक। सो देख सकते हैं कितना मतलब उत्साह से और कितना बढ़िया से योग कर रहे हैं ताली बजा कर दोस्तों। काफ़ी उत्साह से और काफ़ी एकदम तेज़ी से योग कर रहे हैं ताली बजा के। ऐसा दो तीन योग करते हैं यहाँ पे, और पर डे करते हैं। हालांकि देख सकते हैं फाइलिंग का योग खत्म हो गया, और आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे एनीकाट का जो कि पार्क है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है। और मैं बता दूं कि आप लोगों को यहाँ पे एनीकाट में तीन पार्क हैं, वो मैं आप लोगों को तीनों पार्क घुमाऊंगा आप लोगों को, बस बने रहिएगा हमारे ब्लॉग पे। और देख सकते हैं यहाँ पे बैठने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया है, और यहाँ से सीन सुबह में देखने में काफ़ी खूबसूरत सीन लगती है, क्योंकि पानी के किनारे बैठने में हर किसी को बढ़िया लगता है। और यहाँ पे सीढ़ी बनाया गया है, जिस वहाँ पे बैठ के पानी के किनारे आप लोग बैठ सकते हैं, और देखने में कितना खूबसूरत सीन लग रहा है वो आप लोग ही देख ही सकते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हैं। हालांकि टाइम हल्का लेट हो चुका है, क्योंकि अभी 7 बज गया है, तो कुछ लोग चले भी गए हैं। और मैं बता दूं कि मॉर्निंग के टाइम में सुबह 5 बजे बहुत लोग आते हैं, भीड़ लगता है यानी, और बहुत लोग यहाँ पे मतलब व्यायाम वोम करते हैं, योग करते हैं। और कुछ संडे को, आज मैं संडे है, रविवार है, तो मैं घूमने के लिए आया हूँ, तो संडे को हर अपने छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं यहाँ पर। और छोटे छोटे बच्चों के लिए देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया कितना बढ़िया। तो चलते हैं यहाँ से फाइनली, और ये देख सकते हैं यहाँ पे इको पार्क में आ चुका हूँ, और देख सकते हैं यहाँ पे बैठने के लिए कितना शानदार बनाया गया है, यहाँ पे देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये बैठने के लिए काफ़ी बहुत शानदार है, देख सकते हैं एकदम लकड़ी की बनावट से, एकदम लकड़ी के जैसा ही बनाया गया है। और मैं बता दूँ कि ये लकड़ी का नहीं, हालाँकि ये चीनी मिट्टी का है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, एकदम पेड़ की डिजाइन का है, पेड़ का कट का है, देख सकते हैं यहाँ से। ये दूसरा पार्क है, इको पार्क है जो कि, और देख सकते हैं वहाँ पे साइड में बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो वो भी आप लोग को घुमाऊंगा। और देख सकते हैं वहाँ पे एक और बनाया गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे पार्क में एक से एक मतलब करने के लिए, व्यायाम करने के लिए बनाया गया है। और मैं बता दूं कि जब यहाँ पे बना था, तो जब शुरू ये बना था, तो काफ़ी देखने में शानदार और बढ़िया लग रहा था। और यहाँ पे मतलब कि एक आदमी को भी रखा गया था, जो कि देखभाल करने के लिए, गार्डिंग के लिए रखा गया था, और जब तक वो रहे तब तक बढ़िया से चला। और मतलब इलेक्शन के टाइम बना था, और अब इलेक्शन ख़त्म तो उसके बाद पार्क भी ख़त्म। देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम लग रहा है देखने में। और मैं बता दूं कि यहाँ पे जाने का रास्ता जो कि झाड़ियों के द्वारा बंद हो चुका है, झाड़ी बड़ा बड़ा हो गया है, तो रास्ता बंद हो चुका है,
देख सकते हैं आगे में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, यहाँ पे एकदम सारा एकदम सील हो गया है। और ये रास्ता मतलब पार्क के साइड साइड से घूमने के लिए बनाया गया था, आप लोग मतलब पैदल बहुत लोग घूमते हैं तो पार्क में घूमने के लिए साइड साइड से बनाया गया था, और अब झाड़ियों के कारण साफा एकदम बंद हो चुका है। तो आप लोग आगे चल के दिखाता हूँ, सो देख सकते हैं यहाँ से रास्ता एकदम बंद हो चुका है, सारा एकदम सील हो चुका है, समझिए तो जाने का रास्ता ही नहीं है। और देखने में काफ़ी एकदम ग्रीन ग्रीन देखने में अच्छा लग रहा है, कोई रास्ता ही नहीं है जाने का, यहाँ से सफ़ा एकदम बंद हो चुका है देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग ये हल्का सा भी रास्ता नहीं है यहाँ से जाने के लिए आगे में। देख सकते हैं देखने में कितना एकदम पौधा ये देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, काफ़ी एकदम ग्रीन ग्रीन टाइप का एकदम हरा 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 भरा हुआ है। और अभी भी यहाँ पे मतलब कि झाड़ियों के द्वारा इतना बढ़ गया तो रास्ता तो हालांकि बंद हो चुका है, फिर भी यहाँ पे मॉर्निंग में कुछ लोग बहुत लोग आते हैं यहाँ पे योग योग करने के लिए, खेलने कूदने के लिए। तो देख सकते हैं दिखने में ये पार्क, देखने में इको पार्क जब बना था तो एक समय था दिखने में काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बढ़िया लग रहा था। तो देख सकते हैं ये छोटे बच्चों के लिए काफ़ी बढ़िया और एक शानदार बना हुआ था, मतलब ऊपर में चढ़ के और स्लाइडर था जो कि पिछलने वाला था, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता रहा था। तो फाइनली यहाँ से अब निकलते हैं और चलते हैं धूपगढ़ी के पास। तो देख सकते हैं मैं अभी धूपगढ़ी के पास आ चुका हूँ, और देख सकते हैं ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया धूपगढ़ी है, जो कि ये बनाया गया था 1871 ईस्वी में बनाया गया था ये धूपगढ़ी। और अब मतलब कि कुछ साल पहले बहुत बढ़िया से चल रहा था, जो कि धूप से बताता था टाइम, धूप के किरणों से बताता था, एक्यूरेट टाइम बताता था, ना एक मिनट आगे ना पीछे, एकदम एक्यूरेट टाइम बताता था। बट अब चोरी हो चुका है, बट मिल भी चुका था, पर यहाँ पे लगा पुलिस कर लोग लगाया और लगा के बस ऐसे ही छोड़ के फोटो वोटो खिंचवाया, फिर उसके बाद निकाल के जो रखा है जो रख लिया है अब लगाया भी नहीं है उसके बाद। तो देख सकते हैं प्राचीन धूपगढ़ी जो कि निर्मित स्थान है 1871 इसमें बनाया गया था, और चलते हैं अंदर की और आप लोगों को बढ़िया से दिखाते हैं, बस बने रहिएगा हमारे ब्लॉग पे लास्ट तक। सो देख सकते हैं ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था घड़ी, देख सकते हैं 1871 ईस्वी में बनाया गया था घड़ी, और देख सकते हैं एक्यूरेट टाइम बताता था, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है घड़ी। और यहीं पे एक जो कि थी तांबा की लगा हुआ था, यहाँ पे प्लेट लगा हुआ था, लंबा सा ऐसे प्लेट लगा हुआ था और देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा था, और टाइम भी बताता था जो कि धूप की किरणों से टाइम बताता था। और ये सारा चीज़ जो कि है ये भी अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था, देख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ से निकलता हूँ दोस्तों, और आप लोगों को चलता हूँ आगे की ओर और आप लोगों को और कुछ दिखाता हूँ। सो आप लोगों को दो पार्क घुमा चुका हूँ, और देख सकते हैं ये तीसरा पार्क है, ये मतलब कि लास्ट में बना था, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है घूमने लायक, फिर भी यहाँ पे मतलब कि झूला उला कुछ लगाया गया है और व्यायाम वाम करने का यहाँ पे बढ़िया है, तो यहाँ पे भी आप लोग आ सकते हैं व्यायाम करने के लिए और लटकने के उटकने के लिए, और झूला भी यहाँ पर है। सो देख सकते हैं यहाँ पर मतलब कि बहुत ही बढ़िया, और यहाँ पर भी बहुत लोग आते हैं, और जब यहाँ पे बना था शुरू तो यहाँ पे देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि एक से एक मतलब बढ़िया बना हुआ था योग करने के लिए।
इस पे देख सकते हैं, इस पे खड़ा होने के लिए खड़ा होके आप साइड से इधर उधर घूम सकते हैं। तो फाइनली यहीं पे अपना ब्लॉग को एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।